फिंगर फ्राइज़, न्यू लुक न्यू स्टाइल। अब इस पे थोड़ा मसाला लगा देते हैं हम इसको थोड़ा स्पाइसी बनाने के लिए। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी। हेलो फ्रेंड्स, टेस्टी ट्विस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ फिंगर फ्राइज़। ये बनाने में बहुत इजी है, एक न्यू स्टाइल में बनाए हैं, बिना किसी आलू वगैरह के बनाए हैं हमने। ये बहुत ही टेस्टी होते हैं, तो चलिए देखिए कैसे बनाया मैंने इन्हें। सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले लिया मिक्सी का एक जार, छोटे वाला जार लिए। इसमें मैंने 1.5 कप जो है मैंने पोहा का डाल दिया। पोहे को अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिएगा। अब इसको हम कर देंगे ग्राइंड। 1 मिनट में ये ग्राइंड हो जाता है, पाउडर बन जाता है, बिल्कुल इसका आटा बन जाता है। ये देखिए इस तरह से। अब इधर मैंने पानी को बॉईल करने के लिए रखा है। ये 1 कप मैं पानी ले रही हूँ। इसमें हम थोड़ा सा 1/4 टीस्पून के करीब नमक डाल रहे हैं और हल्की सी काली मिर्च डाल रहे हैं। आप चाहे तो इसको स्पाइसी बनाने के लिए इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हो, बहुत सारे मसाले भी डाल सकते हो, बट मैं इसको ऊपर से मसाले डालूंगी, अंदर मैं सिर्फ नमक और काली मिर्च का पाउडर ही डाल रही हूँ हल्का हल्का। पानी में बॉयल आ चुका है, गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और यहाँ पर हम जो ये आटा हमने बनाया है पोहे का ये डाल देंगे। साथ ही 1/2 कप मैं इसमें बेसन का भी डाल रही हूँ। अब इसको मिलाते जाएंगे, हिलाते जाएंगे। अब इसको ढककर रख देंगे थोड़ी देर के लिए, जब तक कि ये ठंडा ना हो जाए। बस उतनी देर ही रखना है जितनी देर तक ये ठंडा हो जाए और हम इसका एक डो बना सके, हाथ लगाने के काबिल हो जाए, बस इतना ही ठंडा करना है। अब ये थोड़ा सा ठंडा हो चुका है तो हम इसका एक डो लगाकर तैयार कर लेते हैं। अब डो का थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और एक बड़ी सारी लोई बनाकर इसको थोड़ा बेल देंगे। चारों तरफ से काट कर इसको एक स्क्वायर बना लेते हैं हम इस तरह से। थिकनेस आप देख लें, इसकी थिकनेस मैंने इतनी रखी है, ये देखिए। अब इसको फिंगर्स में काट लेते हैं। सारे फिंगर्स हम इसी तरह से तैयार कर लेते हैं। अब इधर मैंने ऑयल को गर्म करके रखा है हुआ है मीडियम फ्लेम पर। अब पहले हम इसे हाफ फ्राई करेंगे। हाफ फ्राई करने के बाद इसको मैं पूरी तरह से तैयार कर लेती हूँ, इससे ये और भी क्रिस्पी हो जाते हैं। सारे फिंगर फ्राइज मैंने फ्राई कर लिए हैं। अब इन पर हम मसाला लगा देते हैं। मसाला मैंने चाट मसाला, लाल मिर्च और नमक तीनों चीज़ों को मिक्स करके बनाया है। उसको लगाने से टेस्ट इसका काफ़ी बेटर हो जाता है, क्योंकि हमने बीच में मसाले नहीं डाले हैं। अब ये फिंगर फ्राइज हमारे खाने के लिए तैयार हो चुके हैं। घर में ट्राई ज़रूर करके देखें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपी में। टेस्ट आपका और आइडिया मेरा। बने रहिए फिर टेस्टी ट्विस्ट मेरे साथ इसी तरह से। धन्यवाद।